अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया में खुशामदीद, मैं हूं मोहम्मद अजमल जामी और मैं हूं समीना पाशा। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लाल मस्जिद ऑपरेशन पर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। गाजी अब्दुल रशीद के बेटे का बयान कलमबंद करने की हिदायत। वजीर आजम वजारत दाखिला पहुंच गए, वजारत के हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अख्तर मेंगल ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। फारूक सत्तार ने कहा है कि एमकेएम के खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। सात टूर ऑपरेटर्स ने 2 लाख रुपए में हज कराने की पेशकश कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर के अफसरान को 2 बजे तलब कर लिया। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, जाफर एक्सप्रेस के किराए में 33% कमी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रेल कार का सफर भी सस्ता हो गया। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के खिलाफ दरखास्त की सजा या टारगेट हमला। कराची में रिटायर्ड एसपी मलिक मकसूद फायरिंग से जख्मी, हालत खतरे से बाहर। शेखपुरा में लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद के इल्जाम में एमपीए आरएस संधेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। सना जबीन को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। सौत में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली मलाला यूसुफजई आज अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, शहर पर बादलों का राज। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म सेवेंथ सन के ट्रेलर ने धूम मचा दी।